तो बड़ा अपडेट ये है कि भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरदा रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में वो हरदा पहुंचेंगे, मौके का जायजा लेंगे, पीड़ितों से मुलाकात भी वो इस दौरान कर सकते हैं। हरदा के लिए वो रवाना हो चुके हैं और उनके हरदा पहुंचने से पहले जिला अस्पताल में हलचल है, पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री जिला अस्पताल में हादसे के प्रभावितों से, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। तो हरदा में जिस तरह का घटनाक्रम कल आया, उसके बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद हरदा के लिए रवाना हो चुके हैं। हरदा वो पहुंचेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। कल लगातार वो मॉनिटर करते रहे, कल की उनकी जो व्यस्तताएं थी वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी और अब वो खुद हरदा पहुंचने वाले हैं। हरदा पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। उनके इस दौरे के मद्देनजर जिला अस्पताल में हलचल तेज हो गई है, प्रशासन अलर्ट पर है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कल पूरा घटनाक्रम रहा, और एक तस्वीर अस्पताल की जहां आज पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मौके का जायजा भी लेंगे, पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे और इसके मद्देनजर अलर्ट पर पूरा प्रशासन। तो हरदा हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई घायल हैं, कई ऐसे हैं जिनका अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री में काम करने दूर दूर से मजदूर कर्मचारी आते थे, इनमें से कई का अब तक कोई इनकी कोई जानकारी नहीं। परिजन उन्हें ढूंढते हुए आसपास के शहरों से हरदा पहुंच रहे हैं, अस्पताल, थाने और फैक्ट्री के आसपास अपनों को तलाश कर रहे हैं। फटाका फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट को 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन जो जख्म है वो अब भी ताजा है और इन जख्मों की भरपाई हो नहीं सकती क्योंकि कई लोगों ने अपनी जान यहां पर गंवाई है। कई पीड़ित हैं, कई घायल हैं जिनका इलाज जो है अस्पताल में चल रहा है और कई लोग जो हैं वो अब भी लापता हैं। आप देख सकते हैं कि जो फैक्ट्री साइट है उसके पास ये गौशाला बनी हुई है जहां पर एक कैंप लगाया गया है, जहां पे जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहां पर मौजूद है और जो घायल यहां पर पहुंच रहे हैं उनका उपचार किया जा रहा है, उनको यहां पे रजिस्टर किया जा रहा है, जरूरी दवाओं की व्यवस्था जो है वो यहां पर की गई है। और इसके साथ ही एक दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि जो पीड़ित हैं उनके लिए एक आश्रय स्थल भी जो है वो यहां पर बनाया गया है और जो पीड़ितों के परिजन हैं वो आकर यहां पर रुक रहे हैं और उनके खाने पीने की और तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। लेकिन इस सब के बीच कुछ लोग जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं, अभी भी गायब हैं, जिनको ढूंढते हुए दूर दूर से उनके जो परिजन हैं वो हरदा आ रहे हैं और यहाँ पर थाने, अस्पताल और जो जहाँ फैक्ट्री थी इन तमाम जगहों के चक्कर लगा रहे हैं। दो बुजुर्ग अम्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कहाँ से आई हैं आप?